देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे लॉग। लॉग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल की तरह यूज़ होता है। ये हमें जो लॉग पढ़ना है, ये लॉग हमें मैथ में नहीं पढ़ना, फिजिक्स में जो लॉग यूज़ होगा बस उतना ही पढ़ना है। तो देखते हैं, दो तरह से लॉग का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कोई सा भी कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग को कैसे बोलते, देखिए कई बच्चे इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे बोलते लॉग ई का पावर एक्स, जो कि ऐसे नहीं बोला जाता है। यह है क्या वो समझिए, यह है लॉग एक्स। ये क्या है, लॉग एक्स ऑन द बेस ई, ऐसे बोला जाता है इसको। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते लॉग ई एक्स या लॉग ई का पावर एक्स, ऐसे नहीं पढ़ सकते इसको। क्या पढ़ेंगे बताइए, लॉग एक्स, मेन ये एक्स, लॉग एक्स ऑन द बेस ई, ये नेचुरल लॉग है। इसको आप सिंपल एनएलएक्स से भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स ऑन द बेस ई, राइट। दूसरा देखिए, ये कॉमन लॉग। कॉमन लॉग मतलब किसी भी बेस पे लॉग परिभाषित हो सकता है, जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं लॉग एक्स ऑन द बेस टू, ये कॉमन लॉग में आ जाएगा, या मैं लिख सकता हूं लॉग दस ऑन द बेस टू, ये कॉमन लॉग आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले लिया, जो सबसे ज्यादा यूज होता है कॉमनली वो होता है लॉग समथिंग ऑन द बेस 10। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे लॉग एक्स ऑन द बेस 10। ऑन द बेस क्या बोलेंगे, 10। ऐसे नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा कैसे जाता, देखिए लॉग एक्स ऑन द बेस 10, लॉग एक्स ऑन द बेस ई। जो बेस ई होता है वो होता है आपका नेचुरल लॉग, और जो बेस 10 होता है वो होता है आपका कोई भी कॉमन लॉग, ठीक है ना, लॉग x on the base 10। इन दोनों में एक रिलेशन भी है, वो रिलेशन मैं बाद में प्रूव करूंगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए क्या रिलेशन है बताइए। log x on the base e को लिख सकते हैं 2.303 into log x on the base 10। ये आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, एक बार और लिख रहा हूं मैं, क्या याद होना चाहिए, देखिए log x on the base e होता है बेटा 2.303 log x on the base 10। किसी भी नेचुरल लॉग को अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से गुना करना होता है, ये रटा हुआ होना चाहिए लॉग में। बाकी मैं चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले बता रहा हूं, बाकी मैं लॉग पढ़ाऊंगा क्या होता है वो बाद में पढ़ाऊंगा। देख दूसरी बात, लॉग 2 ऑन द बेस 10 का वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए होता है 0.3010, और लॉग 3 ऑन द बेस 10 होता है समथिंग 0.47 समथिंग, तो इसको तुम लिख सकते हो 0.5, अप्रोक्सीमेट करके 0.5 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम 0.3, इससे तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो log 2 ऑन द बेस 10 को 0.3 मान सकते हैं, log 3 ऑन द बेस 10 को 0.5 मान लो, 0.4771 कुछ करके होता है ये वैल्यू, क्या होता है 0.4771, ठीक है ना, तो 0.47 याद रख लो, या इसको 0.5 तुम बोल दोगे तो कोई बुराई नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया, एक नेचुरल लॉग होता है जो ऑन द बेस ई पे डिफाइंड होता है, कॉमन लॉग होता है ऑन द बेस किसी भी नंबर पे डिफाइंड हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है ऑन द बेस 10। किसी भी लॉग एक्स को ऑन द बेस ई से लॉग एक्स ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से कन्वर्टिंग फैक्टर से गुना करना होता है। लॉग 2 ऑन द बेस 10 होता है 0.3010, इसको 0.3 भी रखेंगे एक ही बात है, और लॉग 3 ऑन द बेस 10 होता है 0.4771, इसको आप 0.5 लिख सकते हैं, क्लियर है, यहां तक समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, लॉग होता क्या वो मैं आप समझाऊंगा आपको, लॉग क्या होता है। मान लो 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, तो 2 × 2 × 2 क्या होगा, ये होगा 2 का पावर 3, बिल्कुल होगा 2 का पावर 3। क्या मैं 2 के पावर 3 को 8 लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, 2 का पावर 3 8 होता है, इसी को लॉग कहते हैं। सेम पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर, पावर को ही लॉग कहते हैं, लॉग कहते हैं। लॉग कोई नया चीज नहीं है भाई, लॉग कोई नया मैथमेटिक्स नहीं है। हाँ, लॉग की मदद से बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन लॉग इसी को कहते हैं। अब तुम्हें आश्चर्य होगा, सर इसको लॉग कैसे कहते हैं, देखो कान यहां से सीधा पकड़ो या ऐसे घुमा कर ऐसे पकड़ो, बात तो बराबर है ना। सेम इसी मैथमेटिक्स को दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हो समझो बेटा, इसको एक बार और समझो, 2 × 2 × 2 क्या होगा, 2 को कितनी बार 2 से गुना किया है, तो 2 को 2 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, मतलब 2 को 2 से 3 बार गुना किया, 2 × 2 × 2 तो मैं लिख सकता हूं 2 का घात 3 बराबर 8, ये कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसी को लॉग कैसे कहते हैं सुनना, ये क्या है, 2 का घात 3 बराबर 8, यही है ना, 2 का घात 3 बराबर क्या है 8 है, 2 का घात 3 बराबर क्या है 8 है। इसमें से 2 क्या है, 2 बेस है, यही तो बेस है भाई। अच्छा 3 क्या है, 3 आपका घात है,
जिसको आप पावर बोल सकते हो, पावर। और आठ क्या है? आठ आपका रिजल्ट है। आठ क्या आपका रिजल्ट है बेटा, बहुत शांति से समझना। दो आपका बेस, उसका पावर है तीन। बेस दो का पावर तीन, रिजल्ट क्या आया? आठ। अगर मैं इसको बोलूं दो आठ बराबर तीन और यहां पर लॉग लिख दूं, तो ये वही बात हो गया। ये लॉग इसी मैथमेटिक्स को नए तरीके से रिप्रेजेंट करने को कहते हैं लॉग। कैसे? देखो इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा। लॉग एट मतलब रिजल्ट को यहां रख दिया, बेस अपने जगह पे एज इट इज है। बस किया क्या, ये जो तीन था, जो पावर था, उसको मैंने रिजल्ट की जगह पे रख दिया, और जो रिजल्ट था उसको पावर की जगह पे रख दिया। तो आपको क्या देखना है, लॉग के टर्म्स में लिखा होगा तो ये असल में क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट है, बेस अपनी जगह पे रहेगा। इस बेस का ये पावर रखोगे तो ये रिजल्ट आएगा, मतलब ये थोड़ा घूम के यहां तक पहुंचा रहा है, ये डायरेक्ट आपको पहुंचा रहा था। सेम बातें हैं बेटा, इसको एक बार कंसेप्ट सीख लोगे मजा आ जाएगा। देख मैं कहता हूं तुम्हें, समझाता हूं। देख, दो का पावर तीन बराबर आठ, ये दो क्या है? समझ बेटा समझ। दो क्या है? दो आपका बेस है। तीन क्या है? तीन आपका पावर है। तो दो का पावर तीन बराबर आठ आपका रिजल्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि आठ को और तीन को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दो, तो क्या लिखोगे? दो का पावर आठ बराबर तीन, ऐसे लिखोगे, यहां लॉग लगा दो। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। ये कहना चाह रहा है कि दो का पावर, पावर इधर रख दिया ना, ये पावर को रिजल्ट की जगह पर रख दिया, रिजल्ट को और पावर को रिजल्ट की जगह पर रख दिया, रिजल्ट को पावर की जगह पर रख दिया, तो इसको उल्टा ही पढ़ेंगे। तो क्या देखो, लॉग एट ऑन द बेस टू बराबर थ्री होता है, इसका मतलब ये टू अपने जगह पर रह गया, बेस अपने जगह पर रह गया। इस बेस का ये क्या है? पावर है, और ये क्या है? रिजल्ट है। थोड़ा घूम के आना पड़ रहा है, मतलब मैं अगर कहता हूं दो का पावर चार बराबर, तो आप सोलह लिखते हो। मैं ये अगर पूछता हूं तो आप क्या लिखते हो? सोलह लिखते हो कि नहीं लिखते हो? दो का पावर चार बराबर क्या होगा? सॉरी, दो का पावर चार बराबर क्या होगा? सोलह। ये लिखोगे ना भाई। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं लॉग सोलह ऑन द बेस टू, मतलब बेस टू का एज इट इज रह गया, अब इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी सुनो, दो का पावर मैं कितना रखूं कि सोलह आ जाए? उल्टा पढ़ना है बस भाई। जो एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है, पावर का कंसेप्ट है, वही लॉग का कंसेप्ट होता है, सेम टू सेम। बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा उल्टा कर दिया। मेरी बात सुन, पता क्या है, दो का पावर चार बराबर सोलह है, और लॉग के टर्म्स में लिखा हो तो ये कहना चाहता है कि लॉग 16 ऑन द बेस टू का मतलब ये है कि ये दो का पावर में कितना रखूं कि रिजल्ट सोलह आ जाए, बस यही है। बता रिजल्ट क्या होगा? अगर कहीं तुमसे पूछा जाता है कि बताओ लॉग 16 ऑन द बेस टू का रिजल्ट क्या होगा, तो तुम्हें यह समझना है कि दो का पावर, मान लो कुछ एक्स माना मैंने, ये रिजल्ट मेरे से पूछ रहा था, तो मैंने मान लिया कि दो का पावर में कितना रखो कि 16 रिजल्ट आएगा। तो दो का पावर एक्स बराबर 16 कितना रखो बता? चार। एक्स बराबर चार, आंसर। मतलब लॉग 16 ऑन द बेस टू हो जाएगा चार। एकदम कंसेप्चुअल चीज है लॉग, रटना नहीं है बेटा। आंसर चार आ गया। तुम्हें समझ नहीं आया यार? देख बताता हूं, देख इधर, ये समझ में आया कि नहीं है? देख इधर, मान लो ऐसा लिखा हुआ है लॉग 10 ऑन द बेस 10, बताओ क्या होगा? लॉग 10 ऑन द बेस 10 क्या होगा? 1 होगा। कैसे? सुनना, ये बेटा तुम्हारा बेस है, इस बेस का घात कितना रखोगे? 1, तो रिजल्ट 10 आएगा ना। तो देखो लॉग 10 ऑन द बेस 10 1 होता है। बच्चे इसको रटते हैं, लॉग 10 ऑन द बेस 10 1 होता है, लॉग 2 ऑन द बेस 2 1 होता है, लॉग 4 ऑन द बेस 4 1 होता है, लॉग कोई भी संख्या, लॉग 100 बट ऑन द बेस 100 1 होता है। क्यों होता है? तुम्हें समझाया है मैंने क्यों होता है। देखो भाई क्यों होता है, क्योंकि ये बेस है, इस बेस पे कितना घात रखोगे कि रिजल्ट 10 आए? तो 10 का घात कितना रखोगे रिजल्ट 10 है? 1 रखोगे तभी तो रिजल्ट 10 आएगा ना बेटा। तो ये एक थ्योरम की तरह पढ़ते, क्या ये एक थ्योरम है कि एक प्योरली कंसेप्ट है? बताओ, ये एकदम कंसेप्ट है जो तुम्हें समझा और रटा हुआ होना चाहिए। अब बताओ लॉग 1 ऑन द बेस 10 कितना होगा? आराम से सोचना, कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन सही सोचना। लॉग 1 ऑन द बेस 10 बता, 10 का घात कितना रखूं कि रिजल्ट 1 आ जाए? तो 10 का घात कितना रखा जाए? देख 10 का घात बेस है ये, इस बेस में कितना घात रखेगा रिजल्ट 1 आए? 0। 10 का घात 0 आएगा तभी तो रिजल्ट 1 आएगा, ये 0 होता है। तो लॉग 1 ऑन द बेस कुछ भी रखोगे रिजल्ट 0 आता है। ये प्रॉपर्टीज की तरह रटता है, ये प्रॉपर्टी है कि कंसेप्ट है, मेरी बात समझ के बता। लॉग 1 ऑन द बेस 10 क्या होगा? तो ये बेस है बेटा, इस बेस पे क्या घात रखूंगा? 10 के ऊपर क्या रखोगे? 1 आए। 10 के ऊपर 0 रखूंगा तभी 1 आएगा। अच्छा बता, लॉग 1 ऑन द बेस ई, तो ई का घात क्या रखोगे? 1 आए। ई होता 2.71, 0 रखोगे तभी तो 1 आएगा। देखो भाई, 0 0 बता, लॉग 100 ऑन द बेस 10
बड़ा आसान है, लोग 100 ऑन द बेस 10, 10 का घात क्या रखोगे 100 आए, 10 का घात 2 रखोगे तभी तो 100 आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो ईमानदारी से बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम ईमानदारी से बताओ, बहुत आसान है। देखो इधर 10 का घात 2 बराबर 100 होता है ये जानते हो, अगर मैं लॉग में बदलूंगा तो यही देखो क्या लिखो, लॉग 100 ऑन द बेस 10, मतलब इस बेस पे घात क्या रखूं 2 रखूं, देख इस बेस पे 10 पे घात 2 रखूंगा तो 100 आएगा, ये कहना चाहता है कि बेस पे घात कितना रखूं कि 100 आएगा, तो लॉग 100 ऑन द बेस 10 2 होता है। आराम से पॉज करके लिखो इसको, ठीक है भाई, देखो और समझो, आराम आसान आसान सा मैं करवाता हूं तुम्हें और एकदम कंसेप्चुअल होगा, कोई खास बात नहीं होगा, बहुत आसान सा करवाऊंगा। देख भाई मान लो मैं तुमसे पूछता हूं लॉग 8 ऑन द बेस 2 के वैल्यू बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं, तो तुम्हें क्या करना है कि किसी भी लॉग का वैल्यू पूछे ना, तो सबसे पहले तुम्हें करना है कि इसको x मानना है, लॉग में दिया हुआ है ना इसको पावर के कंसेप्ट में बदल लो। बेटा क्या है लॉग पढ़ना सिखाया ना तुम्हें, लॉग 8 ऑन द बेस 2 की वैल्यू पूछा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 2 है बेस, इसका घात कितना रखोगे रिजल्ट 8 है, तो 2 का घात x रखोगे तो रिजल्ट कुछ 8 आएगा, बताओ x कितना होना चाहिए 3, कैसे 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है ना, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा 3, जब 2 का घात 3 रखोगे तभी 8 आएगा, मतलब ये रिजल्ट आ गया तुम्हारा 3। और देखो यही तो पढ़ा है समझा है अभी अभी, यही तो बताया था तुम्हें, नहीं आ रहा समझ क्या बेटा, अच्छे से सोचो, बताओ log 4 ऑन द बेस 2, आराम से बोलो इसका मान कितना होगा, ये हमें निकालना है, बड़ा आसान है, बताओ 2 का घात मैं कितना रखूँ कि रिजल्ट 4 है, 2 रखूँगा तो log 4 ऑन द बेस 2 बराबर 2 आएगा। इसको पावर में कन्वर्ट करके देखोगे तो पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये बेस है ये इसका घात है ये रिजल्ट है, देखो 4 ये बेस है इसका ये घात है ये रिजल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 का घात 2 बराबर 4 होता है यार। अच्छा ये देखो log 3 ऑन द बेस 9 ये क्या होगा, अब बच्चे यहां पे आके रुक जाते हैं, सर अब नहीं हो पाएगा मेरे से, अभी होगा तेरे से, देख अभी कैसे होगा, अभी तुरंत होगा, देख इधर x है 9 का घात क्या रखा जाए कि 3 आए, 9 बेटा बेस है ये इसका ये घात है और ये रिजल्ट है, क्या रखा जाए कि 3 हो जाए, बता रूट 9 क्या 3 होता है, रूट 9 3 होता है कि नहीं होता है, मतलब x का घात तुम्हें रखना है हाफ बराबर 3 हो जाएगा, मतलब x का मान हाफ आंसर आ गया। अरे राम लाल समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें, बता log 3 ऑन द बेस 9 क्या होगा, हाफ 1/2, नहीं बैठ रहा क्या, बैठ रहा है, आसान है। अब है कुछ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी, उससे पहले देखते हैं लॉग 4 ऑन द बेस 0 क्या होगा, अच्छा बता 0 का घात कितना रखा जाए कि 4 हो जाए, 0 का घात मैं कितना रखूं कि 4 आ जाए, कंसेप्ट सोच, ये मत सोच कि लॉग है क्या करूं, लॉग है लॉग है, अरे लॉग कुछ नहीं है बे, ये देख ये है तेरा बेस, ये है तेरा घात और ये है तेरा रिजल्ट, 0 का घात मान ले x रखता हूं तो रिजल्ट 4 आना चाहिए, अब 0 का घात तो कुछ भी रखेगा 4 आएगा क्या, नहीं आएगा सर, तो फिर कैसे करेंगे, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, मतलब बेस में 0 हो जाए ये संभव नहीं है। अच्छा log 4 ऑन द बेस 1 मतलब ये बेस पे क्या घात रखूं कि रिजल्ट 4 आ जाए, बता एक का घात कितना रखूं कि रिजल्ट 4 आ जाए, तो एक का पावर कुछ भी रखोगे एक ही रहेगा, मतलब संभव नहीं है, तो दो चीजें बेस में संभव नहीं है, नहीं रख सकते हैं, क्या क्या बेस में संभव नहीं है बेटा, अच्छे समझना, 0 और 1 बेस में संभव नहीं है, लॉग कुछ भी ऑन द बेस 0 या ऑन द बेस 1 नहीं हो सकता, बहुत बेसिक बात है और ये कंसेप्चुअल है, मैंने आपको समझाया है, बताओ लॉग 10 ऑन द बेस 10 क्या होगा, लॉग 10 ऑन द बेस 1 क्या होगा, तो ये गलत नहीं है, मतलब इसका रिजल्ट आप निकाल नहीं सकते, ऐसा नहीं, ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्योंकि एक का घात कितना रखोगे 10 आए, तो एक का घात कुछ भी रखोगे एक ही आएगा, 10 आ ही नहीं सकता, इसीलिए संभव ही नहीं है। गेटिंग नेक्स्ट, देखो बेटा लिखा हुआ यदि वाई बराबर लॉग एक्स ऑन द बेस ई है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आने वाला है यहां से, बताओ तो इसका हल लिखते हैं, यहां पे हल लिखते हैं, बताओ तो क्या है, लिखा हुआ है वाई बराबर लॉग एक्स ऑन द बेस ई, तो बोल रहा है कि एक्स क्या होगा, एक्स का प्रकृति कैसा होगा, क्या एक्स, तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स हमेशा निगेटिव होगा, या एक्स पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, या एक्स का होना वाई पर निर्भर करता है, तो देखो कैसे पता लगाएंगे, ये लिखा हुआ है, अब मुझे बताओ अगर ये लॉग का कंसेप्ट यहां पे लिखा हुआ है, इसको एग्जैक्टली मैं पावर के कंसेप्ट से बदलूं, तो इसका मतलब क्या होता है, लॉग का मतलब क्या होता है, देखो लॉग एक्स ऑन द बेस ई बराबर वाई दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि इस बेस पे ये पावर रखूंगा, इस बेस पे ये पावर रखूंगा, तो यहां जो लिखा होता है वो रिजल्ट होता है,
इसी को एक बड़ा भारी भरकम सा नाम देते हैं एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। अबे कुछ नहीं एंटी लॉग होता है भाई, जो पावर का कंसेप्ट था उसी को उल्टे तरीके से लिखा, तुम सीधे तरीके से लिख दो। लॉग को सिंपल पावर के कंसेप्ट में बदलने को एंटी लॉग जैसा भारी भरकम नाम देते हैं। क्या ये इतने बड़े नाम की जरूरत है इसको? बिल्कुल भी नहीं। आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है log x on the base e बराबर y, इसका मतलब है इस बेस पे ये पावर रखूंगा तो x रिजल्ट मिलेगा, तो e का पावर y बराबर x। अब सुनो, e होता है तुम्हारा 2.71, तो इसको दो मान लो। अब यहाँ पे दो सिंप्लिसिटी के लिए, दो का पावर y बराबर x, सिंप्लिसिटी के लिए 2.71 लिखो या दो लिख लो, सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि मुझे प्लस माइनस ही देखना। अब y की वैल्यू तुम जीरो रखो तो दो का पावर जीरो क्या होगा, वन होगा, ठीक है सर। y की वैल्यू एक रखो, दो रखो, तीन रखो, चार रखो, x पॉजिटिव ही आएगा। अब y की वैल्यू माइनस एक रखो, तो जैसे ही y की वैल्यू माइनस एक रखोगे तो ये होगा दो एक बटा दो। देखो जैसे इसको माइनस वन रखोगे तो दो का पावर माइनस वन मतलब एक बटा दो, अच्छा माइनस दो रखोगे तो दो का पावर माइनस दो मतलब एक बटा दो का पावर दो, माइनस चार रखोगे मतलब एक बटा दो का पावर चार, यही तो बनेगा। मतलब ये हुआ कि x कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता चाहे y कुछ भी हो। बेटा समझना, यहाँ पे थोड़ा नीट वाले बच्चे का गणित कमजोर होता है लेकिन समझना बेटा, गणित सीखना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच के आओ कि तुम्हारा गणित कमजोर है इसीलिए तुम्हें नीट की परीक्षा देना है तो एकदम गलत हो। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो गणित कमजोर वाले डॉक्टर जिसको 2+2 नहीं आता वो डॉक्टर बन जाएगा क्या यार? अच्छा गणित आना चाहिए तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, तभी अच्छा रैंक आ सकता है आपका। और जब तक तुम मैथ या बेसिक मैथ और गणित नहीं सीखोगे ना तो तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ना ही फिजिक्स पढ़ सकते हो। तो गया हाथ से। देखो ये बेटा y को तुम कुछ भी रख दो यहाँ पे, x हमेशा पॉजिटिव आएगा। और मैंने एक ग्राफ में भी आपको सिखाया था जब मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाया था, बताओ यहाँ पे रिजल्ट क्या टिक करोगे, x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एकदम सही है, ये x हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो x होता है ना लॉग में वो हमेशा पॉजिटिव होगा और निगेटिव नहीं हो सकता, वो जो x की वैल्यू वो निगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है क्या ये बात? आगे देखिए, log m into n on the base e, क्या लिखा हुआ है, log m into n on the base e, ठीक है। अब बताओ वैल्यू इसका क्या होगा, तो सुनो ध्यान से। log की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं तुमसे अगर पूछूं कि 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3 क्या होगा, पावर को ही तो उल्टी तरीके से log बोलते हैं बस, तो सिंपल सोच के बताओ क्या गुना है तो तुम लिखोगे 10 का पावर 6, नहीं। अगर सेम बेस है और मल्टीप्लाई किया है तो इसका पावर ऐड हो जाता है, ये होगा 10 का पावर 5। आराम से सोचना, देखो 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 3, गुना में 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 3, तो क्या 10 का पावर 6 होगा, नहीं, ये 10 का पावर 5 होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे अपन और यहाँ पे समझेंगे, ये लिखा हुआ है लॉग एम इन टू एन ऑन द बेस ई, तो इसको लिखेंगे आप लॉग एम ऑन द बेस ई, प्रोडक्ट है ना तो इसको प्लस में कन्वर्ट करें, जैसे वो गुना था तो प्लस में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे गुना है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉग एम ऑन द बेस ई प्लस लॉग एन ऑन द बेस ई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? लॉग एम इंटू एन ऑन द बेस ई होता है, प्रोडक्ट में अगर लॉग गिवेन हो तो सिंपल हो जाता है लॉग एम ऑन द बेस ई प्लस लॉग एन ऑन द बेस ई। ये देखो डिवीजन में है, ये तो डिवीजन में है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, जैसे 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 2, तो इसको लिखते हो ना 10 का पावर 3 माइनस 2। जब वो गुना में होता है तो पावर ऐड होता है, जब भाग में होता है तो पावर को घटाते हैं, तो इसी तरीके से जब ये भाग में है तो घटेगा। देखो m बाई n है तो क्या लिखोगे, log m ऑन द बेस ई माइनस log n ऑन द बेस ई, ये लिखोगे। क्लियर है? log m into n है तो क्या होगा, log m on the base e प्लस, गुना में है तो क्या होगा प्लस, और भाग में तो क्या होगा माइनस, log m on the base e माइनस log n on the base e। ये m by n है तो इसको आप लिख सकते हैं log, समझना, या ऐसे देख समझना, 1 upon log n on the base e। क्लियर है क्या ये बात? ये प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। लॉग एम ऑन द बेस एन है, जहाँ पे एन क्या है, बेस, तो इसको आप 1 upon में लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो बेस ऊपर आ जाएगा और जो रिजल्ट हो नीचे आ जाएगा। तो देखिए लॉग एम ऑन द बेस एन, इसको लिख सकते हो 1 upon log n on the base n। क्लियर है क्या ये बात? दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, इसको तो आपको याद रखना ही है, ये भूल भी जाओगे तो। ये लॉग एम का घात एक्स ऑन द बेस ई, ये क्या है, लॉग m का घात x ऑन द बेस ई, जो घात होता है वो log के बाहर आ जाता है, इसको लिख सकते हैं log
एक्स एक्स बाहर आ जाएगा, जो घात होता है लॉग में बाहर आ जाता है, लॉग एम ऑन द बेस ई, ये रटा हुआ होना चाहिए। क्या रटा हुआ होना चाहिए? जो घात होता है वो बाहर आ जाता है, लॉग एक्स सॉरी लॉग एम, ये क्या है इसको पढ़ो कैसे, लॉग एम का घात एक्स ऑन द बेस ई, ये बेस ई सबसे लास्ट में आएगा, लॉग एम का घात एक्स ऑन द बेस ई, तो जो लॉग का घात होता है वो बाहर आ जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे घात बाहर आ जाएगा एक्स लॉग एम ऑन द बेस ई। क्लियर है बेटा ये बात? आगे देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग वन अपॉन एम ऑन द बेस ई, तो ये हो जाएगा लॉग एम का पावर माइनस एन ऑन द बेस ई, वन अपॉन एम को एम का पावर माइनस वन लिख सकते हो, और जो घात होता है बाहर आ जाता है, तो ये होगा माइनस लॉग एम ऑन द बेस ई। तो इसको याद रखना है आपको, जो घात होता है माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो लॉग वन अपॉन एम ऑन द बेस ई है, तो इसको लिखेंगे माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा लॉग एम ऑन द बेस ई। क्लियर है? अब देखो इसको क्या पढ़ोगे, सुनो, लॉग एम ऑन द बेस ई का घात एक्स, इसमें बेस का घात एक्स है, अगर बेस का घात एक्स है तो इसका जो रिजल्ट होगा उसको डायरेक्ट याद रख लो, ये जो घात होता है ना मेन लॉ का घात बाहर निकल जाता है, और बेस का घात दिया हो तो नीचे आ जाएगा, ये वन अपॉन एक्स इज इंटू लॉग एम ऑन द बेस ई, ऐसे लिख सकते हो। अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ बहुत आसानी से कर दूंगा मैं, देख प्रूफ अगर तुम करना चाहते हो तो देख प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें रिजल्ट याद रखना है। देख एक बात समझना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं क्या, वन अपॉन लॉग एम लॉग ई का घात एक्स ऑन द बेस एम, आपको बताया था जब ये वन अपॉन में जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा लॉग एन ऑन द बेस एम, तो यहाँ पे जो ये नीचे आ जाएगा और ये घात बाहर आएगा, तो ये होगा वन अपॉन एक्स लॉग ई ऑन द बेस एम, ऊपर जाएगा तो लॉग एम ऑन द बेस ई हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स बाहर रह गया ना यार, तो इसको डायरेक्ट लिख लो तुम, डायरेक्ट लिख लो इसको कि जब मेन लॉग का पावर होता है तो कूद के बाहर आ जाता है गुना में, और बेस का पावर होता है वो कूद के नीचे चला जाता है, तो देखो बेस का पावर है एक्स तो बाहर आ जाएगा, और इसको सिंपल एज इट इज लिख दोगे लॉग एम ऑन द बेस ई। ये एक दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलो यहां बताओ एक्स का पावर माइनस वन, इसको लिख सकते हो, और ये वाई का पावर माइनस वन, अरे वन अपॉन एक्स को लिख लेंगे ना, ऐसे देखो लॉग एक्स का पावर माइनस वन ऑन द बेस वाई का पावर माइनस वन, यहाँ माइनस वन ऊपर जाएगा और इसका घात माइनस वन नीचे जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको एज इट इज लिख सकते हो लॉग एक्स ऑन द बेस वाई। देखना ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, ये मजेदार प्रॉपर्टी है, इसमें मजा ले लो और निकल लो छोड़ दो, लॉग वन अपन एक्स ऑन द बेस वन अपन वाई, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स ऑन द बेस वाई, लॉग वन अपन एक्स ऑन द बेस वन अपन वाई को लिख सकते हैं डायरेक्ट लॉग एक्स ऑन द बेस वाई। क्लियर है क्या ये बात? चलो देखो आगे, अब ये है लॉग वाई ऑन द बेस एक्स इंटू लॉग एक्स ऑन द बेस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सीधा वन, कैसे, तो लॉग एक्स ऑन द बेस वाई को लिख सकते हैं वन अपॉन लॉग वाई ऑन द बेस एक्स, और देखो ये क्या लॉग वाई ऑन द बेस एक्स कैंसिल होकर क्या जाएगा वन, तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज है, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग एम इंटू एन ऑन द बेस ई क्या होगा, लॉग एम ऑन द बेस ई प्लस, प्रोडक्ट में एम इंटू एन है तो प्लस हो जाएगा, और भाग में एम बटा एन है तो ये होगा लॉग एम ऑन द बेस ई माइनस लॉग एन ऑन द बेस ई, अगर लॉग एम ऑन द बेस एन है तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लॉग वन अपॉन लॉग एन ऑन द बेस ई, लॉग एम ऑन द बेस एन है तो लिख सकते हैं वन अपॉन लॉग एन ऑन द बेस एम। क्लियर है? जो घात होता है लॉग का वो बाहर आ जाता है, तो लॉग एम का घात एक्स ऑन द बेस ई था, लॉग 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 एम का घात एक्स ऑन द बेस ई था, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एम ऑन द घात बेस ई। क्लियर है क्या ये बात? कोई खास बात नहीं है, यहां पे आप ये सारा प्रॉपर्टी रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे और रफ्तार में क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई खास बात नहीं है। देखिए लॉग 16 ऑन द बेस 4 निकालना, अब मेरी बात सुनना एकदम रफ्तार में कराऊंगा, सुनना log 16 ऑन द बेस 4 है, सुन अच्छे से, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे तो भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तुम्हें कंसेप्ट पता है, बता चार का घात क्या लिखो कि रिजल्ट 16 है, बता बता चार का घात क्या लिखो रिजल्ट 16 है, दो, तो तुम्हें आंसर पता है क्या कि दो होगा, क्या तुम्हें आंसर नहीं पता है कि दो होगा, पता है ना। अब इसको दूसरे तरीके से करते, देखो मेरी बात सुनना, 16 को क्या लिख सकते हैं, चार का स्क्वायर 16 होता है, तो देखो ये क्या लिखूंगा, लॉग 16 को लिखूंगा 4 का होल स्क्वायर ऑन द बेस 4, जो घात होता है बाहर आ जाता है, तो क्या होगा ये 2 log 4 ऑन द बेस 4, बताओ 4 ऑन द बेस 4 क्या होता है 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ये तो तुम्हें पहले ही पता था, कंसेप्ट से ही पता था, प्रॉपर्टी से ही पता हो गया, तो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था वो कंसेप्चुअल है या नहीं है बताओ, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था वो कंसेप्चुअल है। देखो लॉग 4 ऑन द बेस 16 है, तो इसको ऐसे करो प्रॉपर्टी यूज करो ताकि सीखोगे कुछ, क्योंकि मैथमेटिक्स बार बार नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो देखो 4 ऑन द बेस 16, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 का स्क्वायर, देखो ये बेस का स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 1 बाई 2
log 4 on the base 4 1 हो जाता है, तो result होगा 1 by 2. वैसे भी मैंने आपको सिखाया था, याद करिए, आपको मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था याद करिए, आपको सिखाया था कि 16 का घात क्या रखोगे, 4 है, तो 16 का घात 1 बटा 2 रखोगे, 16 का रूट ही तो 4 होता है भाई, तो पल्ले पड़ रहा है कुछ की नहीं पड़ रहा है, बता 64 ऑन द बेस 32. अब इसमें या तो तुम log का कंसेप्ट यूज करो, या मैंने जो बताया था कंसेप्ट पावर का कंसेप्ट यूज करो, फंस जाओगे. तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे सुनो, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, देखना, लॉग 64 को लिख सकता हूं 2 का पावर 6, हां भाई 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, ऑन द बेस ये 32 है, तो 32 को लिख सकता हूं 2 का पावर 5. मेरी बात सुनना, देखना जबरदस्त हो जाएगा, इसका पावर बाहर और बेस का पावर नीचे आ जाएगा, तो 6/5 आंसर, क्योंकि log 2 ऑन द बेस 2 1 होता है, आंसर आ गया. देख देख, तो तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए था कि जो हम log पढ़ रहे हैं वो एक्सपोनेंट को ही log बोलते हैं, तो सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि log गणित को आसान बना देता है. अगर तू यहां पे कांसेप्ट यूज करता तो बोल क्या बोलता कि ये बेस है, इसका घात क्या रखो कि 64 है, 32 का घात क्या रखो कि 64 है. मैंने ये बता कि 32 का घात क्या रखो कि 64 है, बता 32 का घात क्या रखो कि 64 है, सोच सकता है क्या, नहीं मुश्किल है. तो यहां से सीधा आंसर आ गया, 6/5 रखते आंसर आएगा. कैसे आया, तो हमने जो पावर का कंसेप्ट होता है उसको अलग तरीके से कन्वर्ट करा. फिर से एक बार बोलता हूं बेटा, सीख ले प्लीज, रिक्वेस्ट करो, फिर से एक बार बोल लो, देख अगर यहां ऐसा लिखा हो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16, तो लॉग के टर्म्स कैसे लिखते हैं, लॉग बेस वही रहता है, रिजल्ट को ऊपर ले जाते हैं और घात को इधर ले जाते हैं. log 16 on the base 2 क्या होता है 16, और मान लो ऐसे लिखा हुआ होता तो इसको कैसे समझोगे, कंसेप्चुअली कैसे बोलोगे, 2 का घात कितना रखूं कि रिजल्ट 16 है, तो 2 का घात 4 रखोगे तो रिजल्ट 16 जाएगा. समझ आया, देखो आगे समझना, 32 on the base 4 क्या करोगे, 2 का पावर 5 और 4 को क्या लिखोगे 2 का पावर 2. देख देख देख, रिजल्ट देख मजेदार है, 2 का पावर 5 और इसको लिखोगे 2 का पावर 2, 5 बाहर 2 बाहर 5/2 आंसर. 1/8 मतलब 8 का पावर -1, तो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस बाहर चला जाएगा, एक होगा log 8 ऑन द बेस 2, 8 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 3, पावर बाहर चला जाएगा, log 2 ऑन द बेस 2 1 होता है, क्या होगा आंसर बोल, -3. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बता, देख log 3 ऑन द बेस 27 कुछ नहीं करना यार, 2 3 3 2 इधर चेंज कर दो, ऊपर वाला नीचे वाला एक ही टर्म, जैसे 3 है तो इसको भी 3 के टर्म से चेंज करो, 27 क्या होता है 3 का पावर 3, तो इसको क्या लिखोगे log 3 3 का पावर 3 ऑन द बेस 3 का पावर 3, बाहर चला जाएगा, इसी को 27 बोलेंगे ना, तो 1/3 आंसर, कैसे log 3 ऑन द बेस 3 1 होता है. अब ये 27 ऑन द बेस 1/3, तो इसको क्या लिखोगे देखो, log 27 को लिखोगे 3 का क्यूब और 1/3 को लिखोगे 3 का पावर -1, अभी -1 बाहर जाएगा और यहां से 3 बाहर आएगा, log 3/3 बचेगा वो 1 हो जाएगा, बताओ क्या आंसर होगा, -3 आंसर क्या होगा, -3 log 5 ऑन द बेस 10. अब यहाँ पे फंस जाओगे, तो log 5 ऑन द बेस 10 को कैसे सॉल्व करें, तो मेरी बात सुनना, आसान बना तो दे, 5 को 2 और 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरीके से सोचो, तो 5 को लिख सकते हैं 10/2, भैया 5 को 10/2 5 ही होता है, तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, देखना log 5 को लिख रहा हूँ 10/2 ऑन द बेस 10 और log m by n होता है log m minus log n, तो इसको लिख सकता हूँ मैं log 10 ऑन द बेस 10 minus log 2 ऑन द बेस 10. अरे यार जबरदस्त हो गया, log 10 on the base 10 कितना होता है 1 होता है, और log 2 on the base 10 आपको सिखाया था 0.3010, तो 0.7 के आसपास आ जाएगा, ये 0.7 के आसपास आ जाएगा, मजा आएगी नहीं है. अब देखो log 6 on the base 10, अब 6 को 2 के पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 6 को 3 के पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2 और 3 में गुना के संबंध में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो, देखना बेटा log 6 on the base 10 है, 6 को लिख सकते हो 3 × 2 on the base 10, अब गुना में होता है log m into n, क्या होता है log m plus log n, तो इसको लिख सकते हो log 3 on the base 10 plus log 2 on the base 10, log 3 कितना होता है याद करो 0.4771 के आसपास होता है, ये होता है 0.3010, इसको जोड़ दो आंसर आ जाएगा. तो पावर को ही log कहते हैं, पावर को ही log कहते हैं, यहां पे सिखाया मैंने, इससे पहले सिखाया log 8 on the base 2 का मतलब होता है ये 2, ये बेस, इस बेस का घात कितना रखा जाए, बेस का घात कितना रखा जाए कि रिजल्ट 8 आ जाए. ये तो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के बेसिस पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब उस प्रॉपर्टीज को यूज करके बहुत लेंथी मैथमेटिक्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. इसको पॉज करके बहुत अच्छे से लिखना बेटा, बहुत अच्छे से इसको पॉज करके लिखना. नेक्स्ट देखो,
अब देखना यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका पलक झपकते ही आंसर दे सकते हो। देखो क्या कह रहा है, लॉग एक्स ऑन द बेस टू बराबर माइनस चार है, तो एक्स का मान बताओ क्या होगा। तो थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग का कंसेप्ट यूज करो, तुम आसानी से आंसर निकाल सकते हो। बेटा ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, घात है, तो दो का घात माइनस चार बराबर एक्स आंसर। अब दो का घात माइनस चार क्या होगा, तो देखना यहाँ पे दो का घात माइनस चार मतलब एक बटा दो का घात चार, तो एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक बटा दो का घात चार, दो का घात चार कितना होता है सोलह, एक्स बराबर वन बाई सोलह आंसर। देखो लॉग माइनस फोर ऑन द बेस टेन इज इक्वल टू एक्स है, तो बताओ एक्स का मान क्या हो सकता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो संख्या होता है वो माइनस में नहीं आ सकता, अभी प्रूफ भी हो जाएगा। देखो तो बताओ क्या कंसेप्ट पड़ा, दस का घात एक्स, देखो दस का घात एक्स बराबर माइनस चार। अब ये पॉजिटिव नंबर का घात अगर मैं पॉजिटिव रखता हूँ तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और एक्स को निगेटिव रखता हूँ तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब ये संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, लॉग एक्स का घात दो ऑन द बेस तीन, लॉग एक्स का घात दो ऑन द बेस तीन बराबर चार है, तो एक्स का मान बताए। अब तुम्हें लग रहा है प्राण निकल जाएगा तेरा, लॉग एक्स का घात दो ऑन द बेस तीन बराबर चार, लॉग एक्स का घात दो ऑन द बेस बराबर तीन बराबर चार, कैसे निकालेंगे, बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे, सुनो मेरे बात। बताओ जो लॉग का मेन लॉग का जो घात होता है बाहर आ जाता है, तो दो बाहर आ जाएगा, तो दो लॉग एक्स ऑन द बेस तीन बराबर चार, तो दो से चार को काटोगे तो दो आ जाएगा। और तुम जानते हो कि तीन का घात एक्स दो रखने पे, ये घात है, ये बेस है, ये बेस का घात दो बराबर रिजल्ट एक्स, बता क्या होगा, तीन का घात दो नौ, एक्स बराबर नौ आंसर। और वैसे भी इसको एक्स नाइन होगा तभी, तो नाइन को लिख सकते थ्री का स्क्वायर, तो ये दो बाहर चला जाएगा, लॉग थ्री ऑन द बेस थ्री देखो टू आ गया। तो प्रॉपर्टी यूज करो या मेन कंसेप्ट यूज करो, क्लियर है क्या ये बात। आगे देखिए, साइन 90 डिग्री ऑन द बेस ई क्या होगा, तो साइन 90 क्या होता है वन, तो ये असल में क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है लॉग वन ऑन द बेस ई, जीरो होगा। ई का घात कितना रखा जाए कि रिजल्ट वन आए, ई का घात कितना रखा जाए कि रिजल्ट वन है, तो ई का घात जीरो रखने पे रिजल्ट वन आएगा। अच्छा चलो, साइन 30 डिग्री ऑन द बेस टू, साइन 30 का मान कितना होता है एक बटा दो, तो असल में ये कहना चाह रहा है कि लॉग एक बटा दो को दो का घात माइनस वन लिख सकते, दो का घात माइनस वन ऑन द बेस टू क्या होगा, माइनस वन होगा साहब, क्यों होगा, माइनस बाहर आएगा, लॉग टू ऑन द बेस टू क्या होता है वन होता है। चलो लॉग क्या ये टेन होगा, लॉग टेन ऑन द बेस ई, अब मेरी बात सुनो, ऑन द बेस ई से ऑन द बेस टेन में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुना करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2.303 और ये हो जाएगा लॉग टेन ऑन द बेस टेन, लॉग टेन ऑन द बेस टेन कितना होता है वन, तो बताओ लॉग टेन ऑन द बेस ई क्या हो जाएगा 2.303, क्या समझ आया ये बात, लॉग टेन ऑन द बेस ई होता है 2.303, लॉग टेन ऑन द बेस ई होता है 2.303। चलो बताओ लॉग फोर ऑन द बेस ई, तो इसको लॉग बेस ई में है तो इसको बेस टेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 इंटू लॉग फोर ऑन द बेस टेन, और फोर ऑन द बेस टेन को यहाँ से फोर को लिख सकते हो टू का पावर टू, टू बाहर आ जाएगा और लॉग टू ऑन द बेस टेन, आप जानते हो लॉग टू ऑन द बेस टेन होता है 0.3010, राइट। आगे देखो, पॉज करके इसको लिखो, आगे देखो ये लिखा हुआ है लॉग 25 ऑन द बेस 10, लॉग 4 ऑन द बेस 10, लॉग 10 ऑन द बेस 10, इसका रिजल्ट क्या होगा। अरे भाई ये तो खेल रहा है तेरे से, देखना सेम बेस है, देख 10 10 10 सेम बेस पे एडिशन है, तो ये क्या होगा प्रोडक्ट में चला जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 ऑन द बेस 10। अरे भाई यही तो तूने उल्टा प्रॉपर्टी यूज करना, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, लॉग एम ऑन द बेस ई, बेस ई बेस ई, तो क्या होगा लॉग एम इंटू एन ऑन द बेस ई, तो देख यहाँ पे ठीक है। अब बताओ 24 मल्टीप्लाई 25 100 110 1000, तो ये तेरा आ रहा है, ये तेरा आ रहा है लॉग 1000 ऑन द बेस 10, 1000 को लिख सकते हो 10 का पावर 3, तो 3 बाहर चला जाएगा, तो अगर 3 लॉग 10 ऑन द बेस 10, लॉग 10 ऑन द बेस 10 कितना होता है 1, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 3, बहुत आसान है। लॉग 5 ऑन द बेस ई, लॉग 5 ऑन द बेस ई, इसको आप लिख सकते हो 2.303 लॉग 5 ऑन द बेस 10, अब 5 को लिख सकते हो 10/2, 5 को क्या लिख सकते हो 10/2, तो ये आ जाएगा आपका 2.303 लॉग 10 ऑन द बेस 10 माइनस लॉग 2 ऑन द बेस 10, क्या आसान समझ आ रहा है, बहुत आसान है। अच्छा देखो यहाँ पे लॉग 25 ऑन द बेस 10 माइनस लॉग 10 ऑन द बेस 10 प्लस लॉग 8 ऑन द बेस 10, तो इसको लिख सकते हो लॉग
25 जो प्लस में उसको मल्टीप्लाई करोगे और जो सब्ट्रैक्शन में उसको डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय ऑन द बेस 25 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा 200, क्या होगा लॉग 200 बाय 10 ऑन द बेस 10, तो ये आ जाएगा लॉग 20 ऑन द बेस 10, लॉग 20 ऑन द बेस 10। क्लियर है क्या, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? आगे देखो, ये अच्छा सवाल है, इसको पॉज करके पहले लिखो, लिख लिया। अभी अच्छा सवाल है, थोड़ा देखना, ये केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स ऐसा फंसता है, फिजिक्स में तो ज्यादा यूज नहीं होता, केमिस्ट्री में ऐसा फंस जाता है, तो इसको अपन कर लेते हैं सॉल्व। देखो ये क्या लिखो बेटा, समझना, लॉग 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4 ऑन द बेस 10, इसका रिजल्ट अपने को निकालना है, ठीक है ना? कैसे निकलेगा रिजल्ट, समझ, इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्ट में है, तो इसको लिख सकते हो लॉग 4 ऑन द बेस 10 प्लस लॉग 10 का पावर माइनस 4 ऑन द बेस 10। यस, सिंपल है, प्रोडक्ट में है तो एडिशन में लिखेंगे, लॉग 4 ऑन द बेस 10 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2 ऑन द बेस 10 प्लस ये पावर माइनस बाहर आ जाएगा, ये पावर बाहर आ जाएगा, तो माइनस 4 लॉग 10 ऑन द बेस 10, ये बेटा होता है 0.3, मान लो ना 0.30, तो ये क्या हो जाएगा तेरा 0.6 माइनस 4 लॉग 10 ऑन द बेस 10 होगा 4, तो 0.6 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 3.4 आंसर, माइनस 3.4 आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ? बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, पॉज करके पहले इसको लिख लो। आगे देखो, देख भाई, लॉग 16 ऑन द बेस 10 है। अब ऐसे सवाल जो कॉमनली फिजिक्स में यूज होते हैं, अपन एक बार इसको सॉल्व करते हैं, लॉग 16 ऑन द बेस 10, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो, लॉग 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का पावर 4, तो ये होगा लॉग ऑन द बेस 10, तो 10 रहने दो, इसको लिख सकते हो 2 का पावर 4, 4 पावर बाहर चला जाएगा और लॉग 2 ऑन द बेस 10 होता है 0.3, 0.3। अच्छा देख, लॉग 4 ऑन द बेस 10, लॉग 12 ऑन द बेस 10, तो अभी तो सॉल्व किया, ये हो जाएगा लॉग 4 मल्टीप्लाई 12 ऑन द बेस 10, बहुत आसान है। अच्छा, या फिर इसको ऐसे ना करके 48 हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे ना करके ऐसे भी तो कर सकते हैं, 4 और ऑन द बेस 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 लॉग 2 ऑन द बेस 10, अरे भाई 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो 2 बाहर चला जाएगा, प्लस लॉग 12 ऑन द बेस 10 है, तो इसको लिख सकते हो लॉग 12 को लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 3 ऑन द बेस 10, फिर ये हो जाएगा, ये तो देख लॉग 2 ऑन द बेस 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये 0.60 आ जाएगा तेरा, प्लस ये हो जाएगा तेरा लॉग 4 ऑन द बेस 10 प्लस लॉग 3 ऑन द बेस 10, तो सबको जोड़ लिया आंसर आ जाएगा। लॉग 64 ऑन द बेस 10 कितनी बार सॉल्व करेगा एक ही सवाल, लॉग 64 को क्या लिख सकते हैं बता, 64 को लिख सकता है 2 का पावर 6, तो इसको लिख सकता है 2 का पावर 6 ऑन द बेस 10, तो 6 बाहर, ये हो जाएगा लॉग 2 ऑन द बेस 10, बहुत आसान है यार। ये देख लॉग 3 ऑन द बेस 10 माइनस लॉग 24 ऑन द बेस 10, तो इसको लिख सकता है तू लॉग माइनस है, तो ये होगा 3 बाई 24 ऑन द बेस 10, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/8, ये होगा देखते रहा लॉग 1/8 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू, सुनना अच्छे से, इसको लिख सकते हो तुम 8 का पावर माइनस 3, सॉरी 8 का पावर माइनस 1, 1/8 को लिख सकते हो 8 का पावर माइनस 1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 8 ऑन द बेस 10, और 8 हो जाएगा तुम्हारा 2 का पावर 3, 8 क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, पावर बाहर आएगा तो माइनस 3 लॉग 2 ऑन द बेस 10, और इसको तुम जानते हो, इसको लिख सकते हो 0.30, सॉरी 2 है ना, हाँ 2 है, तो ये हो जाएगा तेरा 0.3010, 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.9 टाइम्स आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट में आंसर ठीक कर सकते हो, माइनस 0.9 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया? एक कंसेप्ट और जो फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स ऑन द बेस ई, y इज इक्वल टू लॉग एक्स ऑन द बेस ई, तो टेकिंग एंटी लॉग कुछ नहीं होता है, कहीं एंटी लॉग लेने का मतलब ये है कि लॉग को पावर, तुम मतलब ज्यादा गणित मत पढ़ो, गणित पढ़ के क्या करोगे, अल्टीमेटली तुम्हें फिजिक्स ही सॉल्व करना है ना, तो एंटी लॉग का मतलब मान लो यहां से लॉग हटाना है मुझे इक्वेशन से, इसको पावर में लाना है, उसको एंटी लॉग कहते हैं, तो इसका मतलब क्या, मैं लिख देता हूं लॉग को पावर में लाना है, और लॉग को पावर में लाना है तो इसका कंसेप्ट समझते हो तुम, बहुत अच्छे से जानते हो कि ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है, और वाई क्या है आपका घात, और एक्स है रिजल्ट, तो ई का पावर वाई बराबर एक्स, ये एग्जैक्ट लॉग तो हट गया ना,
लॉग तो हट गया ना, देखो x बराबर e का पावर वही आंसर आ गया। जो बेस होता है वो बेस ही रह जाता है, सिर्फ पावर और रिजल्ट इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये लिख लो पहले, ये लिख लो। अच्छा कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, x बराबर e का पावर, ये रिलेशन लिखा हुआ है। अब मुझे टेकिंग लॉग लेना है, टेकिंग लॉग, तो पावर को लॉग में कन्वर्ट कर दो, लॉग में कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हो लॉग में कन्वर्ट बताओ। तो लॉग में कन्वर्ट करने का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे लिखते हैं, बेस को बेस में रहने देते हैं, लॉग जो रिजल्ट होता है वो लिखते हैं एक्स, जो रिजल्ट होता है वो यहां लाते हैं ऑन द बेस ई, बराबर ई का घात क्या है, वाई है, तो ई का घात, ई का घात, ई का घात वाई बराबर रिजल्ट एक्स, ये हो गया। तो एंटी लॉग लेने से ये रिजल्ट आएगा, एंटी लॉग लेने से ये रिजल्ट आएगा, इसको लिख लो ढंग से, लिख लिया गया। अब सुनो, अब वापस से जो रिजल्ट यूज किया था उसको मैं प्रूफ कर देता हूं। सबसे पहली बार लॉग 2 ऑन द बेस 10 का रिजल्ट 0.3010 एन नंबर टाइम्स यूज किया है, तो जिसको यूज किया वो पता भी होना चाहिए। चलो मैं निकाल देता हूं लॉग 2 ऑन द बेस 10 का मान। कैसे निकालेंगे लॉग 2 ऑन द बेस 10 का मान, तो सुनना, 10 का घात कुछ मान लो x, तो ये कहना चाह रहा है 10 लॉग में है ना, तो ये बेस है, ये घात है और इस रिजल्ट है, 10 का घात x में कितना रखो, रिजल्ट 2 है। अब सुनो, अगर मैं x का मान 1 रखता हूं, ये चेक करता हूं मैं, यदि x का मान 1 रखता हूं तो 10 का घात 1 रखने पे रिजल्ट 10 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, मतलब ये गलत है। यदि मैं x को 0 रखता हूं, तो x को 0 रखने पे 10 का घात 0 रखोगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, मतलब ये भी गलत है। 0 और 1 मतलब 1 से ज्यादा रखोगे, 2 रखोगे तो 100 आएगा, तो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 10 का घात 1 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए, तो 1 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं रखता हूं x को 0.5, मतलब लॉजिकल चेक कर रहा हूं कंसेप्ट से, 0.5 का मतलब 1/2, रूट 10 कितना होगा, रूट 10 हो जाएगा, रूट 9 होता है 3, तो रूट 10 3 से भी ज्यादा होगा, जबकि ये 2 है, तो 0.5 से भी कम आना चाहिए, 0.5 से कम एग्जैक्टली आ जाता है कैलकुलेट करने पे 0.3010 के आसपास। लॉजिकली समझ आए कि नहीं है बेटा, आराम से बताओ। देखो ये 0.5 से भी कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा अगर x को 1 रखता हूं तो 10 आ रहा है, मतलब 1 तो होना ही नहीं चाहिए, 0.5 भी होना ही नहीं चाहिए, 0.5 से भी कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0.5 और 0 से ज्यादा ये आएगा 0.3010। थोड़ा समझ आया ये बात, इसको अच्छे से लिखो कंसेप्ट से। अच्छा आगे देखो, ये जो अपन ने लिखा है लॉग, कुछ भी x ऑन द बेस ही है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, बात क्या हुई थी, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेस 10 में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है लॉग का समझना, इसको लिख सकते हैं अपन log x on the base 10 divided by log e on the base 10, log e on the base 10, इसको लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, तो समझना थोड़ा सा और अच्छे से, ये log की प्रॉपर्टी होती है, कहीं मान लो log लिखा हुआ है m on the base 10, तो इसको आप लिख सकते हैं log m on the base e, log m on the base e divided by log n on the base e, एक प्रॉपर्टी है, मतलब log m ऑन द बेस कुछ भी e ले सकते हो या t ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो बेस यहां लोगे वही ये लेना पड़ेगा। तो ये क्या लिख सकते हो, log m ऑन द बेस e बटा log n ऑन द बेस e, क्लियर है। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, तुम्हें प्रूफ करना जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें महसूस करा देता हूं कि जो रिजल्ट तुमने यूज किया उसको याद रखना बस, अब मैं महसूस करा देता हूं वो सही है। तो देखो log x on the base e है, कोई भी log x base e में उसको base 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, log x on the base 10 बटा log e on the base 10, देखो log e नीचे आ गया on the base 10, log x ऊपर रहा on the base 10, देखो log m ऊपर रहा, log n नीचे आ गया, ठीक है। अब सुनो, ये तो as it is रहेगा तेरा log x on the base 10। एक प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ा था कि log e on the base 10 है तो ये 1 upon log e log 10 on the base e होगा, यहाँ पे क्या है e on the base 10 ऊपर जाएगा तो log 10 on the base e होगा, तो ये क्या होगा log 10 on the base e, and log 10 on the base e का वैल्यू हो जाता है 2.303, इसको क्या लिखेंगे आप 2.303, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2.303 into log x on the base 10, क्लियर है। अब तुम्हें इसमें ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करना है, तुम्हें बस ये रिजल्ट याद रखना है जो सबसे पहले लिखा था, फिर से लिख रहा हूँ, कहीं लिखो log x या log y, log z, कुछ भी हो, log y on the base e, इसको 10 के बेस में लाओगे तो 2.303 इनटू log x, सॉरी y है, y on the base 10 हो जाएगा, बेस e से बेस 10 में लाओगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, प्रूफ कर दिया मैंने, आपको क्या करना है, रट लेना है।
तो आप लॉग के सवाल करेंगे, आपके मॉड्यूल में 110 सवाल है जितना मैंने आपको कंसेप्ट और सवाल सिखा दिया है। ठीक है, तो कोई भी फास्ट बात नहीं है, इसको आप सॉल्व करिए आराम से।